Hey guys, good morning from Badrinath and अभी 5 बज रहे हैं. मैं रेडी हो गई हूँ. बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है बिकॉज मौसम थोड़ा ऐसे सही है, ठंडा ठंडा. मेरी नाक को भी पता नहीं क्या हो गया है, एकदम रेडिश सी हो गई है और ऐसे लग रहा है चोट लग गई हूँ. फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मंदिर बिकॉज जितना जल्दी हो पाएगा दर्शन कर लेंगे. यहीं से दिख रहा है कि लाइन बहुत लंबी लग चुकी है, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या प्लान है हमारा. हे गाइस, सो अभी बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है एंड मेरे को लग रहा है ये 6 बजे तक खुलेगा और फिर हमें 1.5 से 2 घंटा मंदिर पहुंचने में लग जाएगा. एंड मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे हम 10-11 बजे से पहले फ्री होने वाले हैं. वो देखते जितना जल्दी फ्री हो जाएंगे फिर निकलेंगे. पीछे बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही ज़्यादा लंबी. हे गाइस, ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं एंड अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है. हम लोग लगे थे 5 बजे के अप्रॉक्स और मुझे लगता है आधा पौना घंटा और लग सकता है नंबर आने में. फिलहाल हम लोग 23,000 फीट पे हैं और मेरे पीछे जो ये नदी है वो अलकनंदा रिवर है. वरना यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है और साथ में बर्फ़ बर्फ वाले पहाड़ भी है जो मैं रास्ते में आपको अभी दिखाऊँगी, क्योंकि कल बहुत लेट हो गया था तो अंधेरे में हम लोग देख नहीं पाए. बट आज रास्ते में मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ते में बहुत सारे बर्फ वाले पहाड़ आएंगे. हे गाइस, दो दर्शन तो हो गए. बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी. यहाँ पे टेम्पल है जो बद्रीनाथ धाम का है, बट इतनी भीड़ है आपको इतने धक्के लगेंगे कि आप भीड़ के साथ ही आगे बढ़ते जाओगे. दर्शन भी बहुत मुश्किल से ही होता है, सही तरीके से तो होते नहीं है. यहाँ पे पुलिस वालों ने इतना कुछ संभाल नहीं रखा है, यहाँ तो ये लोग एग्जिट पे संभाल रहे हैं, इनको मंदिर की लाइन संभालनी चाहिए. इतनी सारी भीड़ एक साथ ही घुस के आपको दबा ही देगी अंदर, बहुत मुश्किल है दर्शन करना. तो हम सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगे हुए थे, 5 बजे के अप्रॉक्स तब जाके अब नंबर आया हमारा. भाई जब मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे बना रखा है और यहाँ लोग मतलब स्नान के लिए जा रहे हैं और इतना गर्म पानी आ रहा है, देखो धुआं भी निकल रहा है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है और यहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं. हम नहा भी सकते हो. ये अलकनंदा रिवर के पास जो कुंड है बद्रीकुंड, बहुत बड़ा है और बहुत भीड़ भी है, नीचे भी बहुत भीड़ है, तो मैंने यहीं से हाथ जोड़ लिए. वैसे हमने अभी यहाँ से तुलसी की माला ली. तुलसी की माला हमें 20-20 रुपये की पड़ी और थोड़ी सी मोटी वाली पड़ी 50 रुपये की. और कमल कट्टे की भी माला ली हमने 50 रुपये की, बहुत सही है. और अभिजीत ने शिवलिंग लिए एक ब्लैक कलर के लिए और एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल वाले लिए, तो काफ़ी सारी शॉपिंग हमने कर ली यहाँ पे मार्केट से. अभी कुछ खाएंगे फिर यहाँ से कहीं और जाएंगे, देखते कहाँ पे निकलते हैं. और आज हमारा लास्ट डे है, अपने 4 धाम पूरे हो गए हैं, बहुत खुशी हो रही है. अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो जहाँ से हम लोग नीचे मंदिर की ओर जाते हैं ना, वहीं पे हम मैगी पॉइंट पे ही रुक गए और यहाँ से मैगी खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर निकलते हैं. बहुत भूख लग रही है, पेट में से आवाज़ें आने लग गई है अब तो मेरे, अब तो खा के जाऊँगी मैं. हे गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे है इंडिया का फर्स्ट विलेज माना विलेज एंड यहाँ से पहले होता था ये लास्ट विलेज, अब इसको गवर्नमेंट ने चेंज करके बना दिया है फर्स्ट विलेज. तो यहाँ पे सब लोग अपना फोटो सेशन कर रहे हैं और ये अपना पड़ रहा है नेशनल हाईवे 07. तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश, उसके बाद देहरादून. माना विलेज में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जो हम विज़िट कर सकते हैं, जैसे वसुंधरा फॉल्स है, भीम पुल है. तो इसके लिए भी अगर आप बद्रीनाथ विज़िट कर रहे हैं तो आप एक डे निकाल के पर्टिकुलर 1 डे या 2 नाइट स्टे यहाँ पे माना विलेज में ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट ट्रैक्स भी हैं. फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि हमें आज ही देहरादून पहुँचना है. रास्ता थोड़ा सा ख़राब आता है, अनइवन आता है, बट व्यूज़ मैंने कहा था कि यहाँ पे बर्फ़ वाले पहाड़ आपको दिन में बहुत सुंदर दिखेंगे. ये माना विलेज से जब हम वापस जा रहे हैं तो ये बर्फ़ वाले पहाड़ आपको दिख रहे हैं एंड काफ़ी सारी पीक्स यहाँ पे हैं जिसकी ट्रैकिंग बहुत से लोग करने आते हैं स्पेशली, तो वो ट्रैक्स भी आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी हम लोग
वापस डाल गए। मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है फिलहाल। मैं यहाँ पे अभी झरने के पास बैठ गई। हम लोग नीचे बद्रीनाथ के रास्ते से जब उतार रहे थे तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक स्टॉप लेते हैं। झरने का पानी भरा है और मेरी आंखों पे मैं पानी की छींटे मारूंगी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मेरे को कितना प्यारा झरना है, बहुत ज़्यादा प्यारा झरना है यहाँ पे पीछे बैक साइड में ही मेरे, और पानी भी एकदम ठंडा ठंडा आ रहा है। अंकल के मस्त झुपकी मार रहे हैं इतने ठंडे पानी में भी। देखो अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है और पीछे तक हमारे कितने सुंदर वैली है, बीच में से एकदम रोड जा रही है। बहुत सुंदर वैली है, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे अभी हम शॉप पे रुके हैं, फिर यहाँ से चाय पियेंगे। भाई स्कूटी में पानी डालना पड़ रहा है बार बार रुक रुक के, बिकॉज वहाँ पे तो 5-6 दिन तक तो इसने कोई दिक्कत नहीं करी थी, ठीक है। आज इसने थोड़ा बहुत मतलब दिक्कत करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज अभी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे वैसे गर्मी होती जा रही है, तो हमें पानी डालना पड़ रहा है बिकॉज पिकअप नहीं ले रही है ये स्कूटी। देखो सही सलामत हमें पहुँचा दे देहरादून वापस। थोड़ा देर हम लोग ऋषिकेश भी स्टॉप लेने का सोच रहे हैं, बाकी रास्ते में देखेंगे क्या सीन बनेगा। तो हमारी स्कूटी ख़राब हो गई है एंड वो पिकअप नहीं ले रही थी, तो अभी फ़िलहाल हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं एंड यहाँ पे हमने मैकेनिक को दिखाया है, देखते हैं वो क्या बोलता है। नहीं देखो स्कूटी की जो बेल्ट है ना वो भी ख़राब हो गई हमारी, ये देखो भैया लगा रहे हैं नई बेल्ट। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, होपफुली ये स्कूटी हमारा साथ दे दे और हमें ऋषिकेश तक तो पहुँचाई दे। ये देखो स्कूटी रिपेयर हो रही है अभी भाई, जस्ट बिकॉज हमारी स्कूटी जो थी ना वो रेंट की थी, तो जो हमें मैकेनिक मिला था उसने हमें बेवकूफ़ बना दिया। एंड यहाँ पे आप किसी को ना ही बताओ तो ही अच्छा है, आपको बोल देंगे कुछ और। स्कूटी में हमारे वायर की प्रॉब्लम बता दी थी, मतलब जो ट्यूब थी वो गर्म हो गई है, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं। स्कूटी में क्लच का प्रॉब्लम था एंड थोड़ी सी दूर जाके ही हमारी स्कूटी का जो वायर है वो जो ट्यूब उन्होंने डाली थी वो टूट गई एंड बीच रास्ते में हम लोग अटक गए थे। तो काफ़ी दिक्कत के बाद हमें वो पार करके हमें एक मैकेनिक मिला जिसने हमारी क्लच प्लेट लगाई सीधा, एंड वहाँ से फिर हम लोग देहरादून पहुँचे। अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे लेट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये सजेस्टेड है कि भाई मैकेनिक को कुछ मतलब देख देख के ही आप लोग मैकेनिक से पता करें, और अगर स्कूटी पिकअप नहीं ले रही है तो जनरली उसमें क्लच की प्रॉब्लम हो सकती है, बेल्ट की प्रॉब्लम हर बारी नहीं होती है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश एंड ऋषिकेश से हम लोग सीधा जाएंगे देहरादून। ऋषिकेश से जो देहरादून का रास्ता है वो अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, बट पूरा जंगल है एंड दूर दूर तक कोई नहीं होगा। सो फाइनली हमारी 4 धाम की जर्नी कंप्लीट हो गई है।